भारत 23 अगस्त 2024 यानी कि आज नेशनल स्पेस डे मना रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि बढ़ाना है। किसी भी दिन को मनाने का जब सवाल उठता है तो अधिकतर लोगों को उस दिन को मनाने के पीछे की उपलब्धियों का पता नहीं होता। तो आइए आपको बताते हैं कि इस दिन खास बात क्या रही जब भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में अपना इतिहास रचा। खास बात यह है कि भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल अंतरिक्ष और वैमानिकी के क्षेत्र में हासिल की गई एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि का सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा की थी और वह उपलब्धि उल्लेखनीय थी। 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग, सीधे शब्दों में कहें तो यह दिन देश के अंतरिक्ष अन्वेषण इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इस मिशन ने भारत को चांद पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बना दिया। चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था, जो प्रज्ञान रोवर के साथ विक्रम लैंडर चंद्र सतह पर उतरा। इसमें भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। तो वहीं चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने न केवल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं का प्रदर्शन किया बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को और भी उभार कर रख दिया। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सुरक्षा, बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।